अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि सीओ कुपवारा ने कुछ नए ऑर्डर्स निकाले हैं जिनमें टीचर्स को एक स्कूल से ले दूसरे स्कूल मुंतकिल किया गया है, इसी में हमारा बागबेला में एक अपर प्राइमरी स्कूल पसवालमाला बागबेला आता है जिसमें ऑलरेडी टीचर्स की बहुत कमी थी। टोटल 6 टीचर थे, उनमें भी एक टीचर को निकालकर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी नैचिया में मुंतकिल किया गया है, जबकि वहाँ ऑलरेडी एक पॉलिटिकल टीचर्स अवेलेबल है। उसके बावजूद यहाँ से टीचर को निकाल कर इसमें गवर्नमेंट ने एक मैसेज दी थी जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो है प्राइमरी स्कूल्स में और मिडिल स्कूल्स में और हाई स्कूल में बच्चों के लिए एक अच्छा निज़ाम होगा और उनकी तालीम पर ध्यान दिया जाएगा और बच्चों के अच्छे वहाँ पर उनके जो सहूलतें दी जाएगी और ख़ासकर उनकी तालीमी जो निज़ाम है उसमें बेहतरी लाई जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्राइमरी स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल बागबेला में ऑलरेडी अच्छी पढ़ाई चल रही थी तो अच्छा ही रिजल्ट आ रहे थे, तो बच्चे का बेस बन रहा था, तो मेहनत टीचर अच्छी मेहनत कर रहे थे। क्योंकि अब जो ज़माना है तामीर तरक्की का है, मॉडर्न ज़माना है, तो हर एक बेहतर रिजल्ट देखना चाहता है। तो इसमें हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, खासकर ZDO साहब से भी और CO साहब से भी, कि वो इस चीज़ पर नज़रसानी करें कि ऑलरेडी यहाँ पर टीचर्स की कमी है, तो 5 टीचर 8 क्लासों को कैसे जो है उसको यानी कि उनको उस नज़म को संभाल सकेंगे। क्योंकि इसलिए हम ये चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर टीचर्स की कमी है तो कम से कम 6 से 7 टीचर इस स्कूल में रखे जाएं ताकि बच्चों का एक अच्छा बेस बने। अगर बच्चों का बेस अच्छा होगा तो आगे जाकर खुद बच्चा जो है वो निखरता है, तो वो किसी भी मनसब को हासिल कर सकता है। जब नेचुरली तौर पर बेसिक अच्छा नहीं होगा बच्चे का, तो बुनियादी चीज़ जब उसका बेस अच्छा नहीं होगा तो आगे वो कितने भी बड़े स्कूल में जाए वो कुछ कर नहीं सकता है। तो बेस अच्छा होना चाहिए, तो टीचर्स जितना मटेरियल ज़्यादा होगा तो उतना उनको का लोड कम पड़ेगा और टीचर्स अच्छी तरीके से बच्चे को जो है तैयार करेगा। अगर वहाँ पर मटेरियल नहीं होगा, स्कूल में स्टाफ की कमी होगी, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर उस तरह नहीं बन सकता है। तो जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, वो अपने बच्चों को किसी भी जगह पर पढ़ा सकते हैं, जैसे श्रीनगर में या किसी साइंस स्कूल में या किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो गरीब के लिए बहुत मुश्किल है इस दौर के अंदर, क्योंकि महंगाई अरूज पर है। इसलिए हमने गवर्नमेंट की जो मैसेज देखी उस पर हमने नज़रसानी की और बच्चों को गवर्नमेंट अदारों के अंदर डाला, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर डाला ताकि इनका अच्छा फ्यूचर बने। लेकिन वहाँ पर 8 क्लासें हैं।